हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार दरोगा के लिए प्लेटफॉर्म की जो टेस्ट सीरीज चलाई गई है दोस्तों, उसके सेट नंबर 1 को हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी लोग दरोगा के एग्जाम देने जा रहे हों तो उनके लिए यह वीडियो जो है दोस्तों काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। तो चलिए दोस्तों आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 10+2 के शिक्षा मॉडल के स्थान पर किस पाठ्यक्रम को लॉन्च किया गया। तो याद रखना है 10+2 शिक्षा के मॉडल के स्थान पर 5+3+3+4 मॉडल को स्थान दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर हम बात करें कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मसौदा किसने तैयार किया था या किसकी अध्यक्षता में हुआ था, तो डॉक्टर कस्तूरी रंगन, याद रखना है डॉक्टर कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में इसका मसौदा तैयार किया गया था। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कब किया गया था 2020 की, तो याद रखना है 29 जुलाई 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की घोषणा की गई थी। और यह जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है दोस्तों, पुराने वाले राष्ट्रीय शिक्षा नीति कौन सा है, तो 1986 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है दोस्तों उसका स्थान ये लेगी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स है जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हर वर्ष मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हर वर्ष 22 मई को मनाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और इसकी शुरुआत कब होती है, तो इसकी शुरुआत महासभा के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 1993 से की जाती है। तो ये भी फैक्ट्स आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रकार के रक्त की बूंदों को 4 अलग अलग स्लाइड पर रखा जाता है, इनमें से कौन अस्कंदित नहीं होगी। तो याद रखना है कि रक्त सीरम जो होगा वह अस्कंदित नहीं होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होता है, तो सूर्य की परिक्रमा के दौरान जो होता है पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी जनवरी महीने में होता है। और ये कितने जनवरी को होता है, तो याद रखना है यह 3 जनवरी को होता है। तो ये भी फैक्ट्स याद रखना है। और 3 जनवरी को जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकटतम होता है तो इसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है पेरिहेलियन। क्या कहा जाता है, पेरिहेलियन। और अगर बात करें कि अधिकतम कब होता है, तो अधिकतम होता है 4 जुलाई को। और इसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है एपिहेलियन। हिंदी में इसे बोलते हैं क्या, पेरिहेलियन को बोलते हैं उपसौरिक और एपिहेलियन को बोला जाता है ऑप्सोरिक। तो ये दोनों के दोनों महत्वपूर्ण फैक्ट्स है जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है एक मिश्र धातु जर्मन सिल्वर में तांबा और जस्ते का अनुपात 21:16 है, जबकि निकेल और जस्ते का अनुपात कितना है, 7:24 है। मिश्र धातु में तांबा जस्ता निकेल का अनुपात क्या होगा, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जस्ता कितना है 16 और यहाँ जस्ता कितना है 24, तो दोनों को इक्वल कर देंगे तो ऊपर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 63, और 16 में अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होता है 48, या नीचे अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 14। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 63:48:14 यानी 63:48:14 इसका जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक व्यक्ति लंबे समय तक उपवास में रहता है, उसके मूत्र में किसकी मात्रा असमान होगी, तो उसके मूत्र में कीटोन की जो मात्रा है असमान होगी। यहाँ पर बात आई है ग्लूकोज की, तो शरीर को त्वरित ऊर्जा के लिए यानी इंस्टेंट एनर्जी के लिए किसकी ज़रूरत होती है, तो ग्लूकोज की ज़रूरत होती है। और अगर हम बात करें वसा की, तो वसा और ग्लूकोज का अगर हम लोग एक ग्राम ले लें तो दोनों में सबसे ज़्यादा ऊर्जा कौन देगा, तो याद रखना है कि दोनों में सबसे ज़्यादा ऊर्जा कौन देगा, तो वसा देगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स है जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान नहीं है, तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान सेल्वास नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जबकि स्टेपी, वेल्ड और डाउन्स ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। स्टेपी कहां पर पाया जाता है, तो याद रखना है यह एशिया में पाया जाने वाला घास का मैदान है। एशिया के अलावा ये मंगोलिया, चीन, यूक्रेन आदि जगहों पर यह पाया जाता है। वेल्ड कहाँ पर पाया जाता है शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान, तो यह साउथ अफ्रीका में पाया जाने वाला शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। डाउन्स कहाँ पर पाया जाता है, तो यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है।
तो यह भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है? तो दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है वेनेजुएला की धारा। ये जो है दक्षिण अटलांटिक महासागर की ठंडी धारा है, याद रखना। ये जो है अटलांटिक महासागर की ठंडी धारा है, याद रखना है। यहाँ दक्षिण लगा हुआ है, तो दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा आपसे पूछ रहा है, तो वह है वेनेजुएला की धारा। और यह भी जो है कैनेडी की धारा, यह अटलांटिक महासागर की ठंडी धारा है, याद रखना है। लेकिन यह दक्षिण अटलांटिक महासागर की नहीं है। अलगुहास की अगर बात करें तो अलगुहास क्या है? तो अलगुहास जो है हिंद महासागर की यह गर्म जल धारा है, हिंद महासागर की यह गर्म जल धारा है। और ब्राजील की जो धारा है यह अटलांटिक महासागर की यह गर्म जल धारा है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है? तो संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर स्वेज नहर है। स्वेज नहर बनकर कब तैयार हुआ था? तो याद रखना है 1869 ईस्वी में यह बनकर तैयार हुआ था। इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1956 ईस्वी में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। बात करें कील, तो दुनिया का सबसे व्यस्तम नहर है कौन सा? तो वह है कील नहर। कील नहर कहाँ पर स्थित है? तो यह भी पॉइंट याद रखना है, कील नहर जो है यह जर्मनी में स्थित है। सू नहर कहाँ पर स्थित है? तो यह यूएसए में स्थित है। और पनामा नहर की अगर हम बात करें तो पनामा नहर किसको किसको जोड़ता है? तो पनामा नहर जो है अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से यह जोड़ता है। तो यह भी फैक्ट्स आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। और पनामा नहर कब बनाया गया था? तो पनामा नहर बनाया गया था 1914 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी लगभग कितनी है? तो भारत की भागीदारी इसमें कितना है? 2.40%। अगर जनसंख्या की बात करें कि संपूर्ण भारत पूरे विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में निवास करता है? तो याद रखना है 17.5%। क्षेत्रफल की अगर बात करें तो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग भारत जो है किस स्थान पर आता है? तो याद रखना है कि यह सातवें नंबर पर आता है, सातवें नंबर पर आता है। पहले नंबर पर कौन है? तो रसिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी तीन बार दो धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है, और इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती है? तो नाम से ही स्पष्ट हो गया, श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम द्वीपों का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो यह करती है कावेरी नदी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, किस प्रकार की मिट्टी अधिकतम पानी संजोए रखती है? तो कौन सी मिट्टी है? तो चिकनी मिट्टी जो है अधिकतम पानी संजोए कर रखती है। काली मिट्टी में क्या हम लोग करते हैं? तो काली मिट्टी में कपास उपाया जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? रेगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है, याद रखना आपको। नेक्स्ट है, लहसुन में विशिष्ट गंध का कारण क्या है? तो लहसुन में विशिष्ट गंध का कारण क्या है? तो यह है सल्फर यौगिक। सल्फर यौगिक की उपस्थिति के कारण लहसुन में एक विशिष्ट प्रकार का गंध आता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, स्टॉक फार्मिंग है, तो स्टॉक फार्मिंग क्या है? तो स्टॉक फार्मिंग है पशुओं का प्रजनन से संबंधित। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष याद रखना है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 1973 में। 1973 में यह डिसीजन लिया गया था कि प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा याद रखना है 1 से 2% जो ऊर्जा का भाग होता है वह रासायनिक ऊर्जा में क्या होता है? परिवर्तित हो जाता है। अगर हम बात करें कि प्रकाश रासायनिक क्रिया क्लोरोफिल में कहाँ संपन्न होता है? तो प्रकाश जो रासायनिक क्रिया है क्लोरोफिल के ग्रेना में संपन्न होता है। और इसे क्या कहा गया? तो इसे हम लोग हील रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? तो इसे हम लोग हील रिएक्शन के भी नाम से जानते हैं। और अगर बात करें कि रासायनिक प्रकाशहीन क्रिया क्लोरोफिल में कहाँ संपन्न होता है? तो यह होता है स्ट्रोमा में। तो ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। पूछे कि प्रकाश रासायनिक क्रिया कहाँ पर संपन्न होता है? तो क्लोरोफिल के ग्रेना में।
और प्रकाशहीन यानी रासायनिक प्रकाशहीन क्रिया कहाँ पर संपन्न होता है, तो क्लोरोफिल के स्ट्रोमा में। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा समान उपयोग में लाया जाने वाला सिंथेटिक फाइबर है? तो ये सभी के सभी जो हैं सिंथेटिक फाइबर है, पॉलिस्टर, नाइलोन, रेयन और एक्रेलिक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। मानव द्वारा तैयार किया जाने वाला सबसे पहला सिंथेटिक फाइबर कौन सा था? तो वह कौन सा था? तो वह था नाइलोन। रेयन किससे बनता है? तो ये बनता है सेल्यूलोज से, याद रखना है। यह किससे बनता है? तो सेल्यूलोज से बनता है यह रेयन। नेक्स्ट, नीचे दिए पौधों और उनके खाद भाग के युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आलू यहाँ पर दिया गया, अदरक, प्रकंद, प्याज, मांसलपर्ण, नारियल, भ्रूणपोष। तो नारियल का तो हम लोग भ्रूणपोष खाते हैं, यह बात सही है। अदरक का हम लोग प्रकंद खाते हैं, यह भी सही है। प्याज का हम लोग मांसलपर्ण खाते हैं, यह भी सही है। लेकिन आलू जो है वह कंद खाते हैं उसका, ना कि मूल खाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आलू जो है तना का उदाहरण है और तना में यह जो पार्ट है किसका है, तो यह कंद का उदाहरण है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, किस पदार्थ के ऑक्सीकरण में सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो मैंने आपको बताया था कि कौन सा पदार्थ है जिसके ऑक्सीकरण में सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, तो वह है वसा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करती है, तो यह बात बिल्कुल सही है कि यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करती है। यह लौह युक्त यौगिक है, तो यह भी स्टेटमेंट सही है। यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करती है, तो यह स्टेटमेंट गलत है। रोगों के प्रति यह प्रतिरक्षा प्रदान नहीं करता। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, तो यह स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2, 4। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? डेसिबल, ध्वनि की जो प्रबलता है डेसिबल में मापा जाता है, बिल्कुल सही है। शक्ति की इकाई है हॉर्स पावर, बिल्कुल सही है, 21 भी सही है। समुद्री मील जो है नौ संचालन में दूरी की इकाई है, यह भी सही है। और सेल्सियस जो है ऊष्मा की इकाई नहीं है, सेल्सियस जो है यह तापमान की इकाई है। और यह तापमान की कैसी इकाई है? तो CGS है, CGS यूनिट है तापमान का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सेल्सियस। इसमें गलत दिया हुआ है कौन सा, तो सेल्सियस। और तापमान की अगर बात करें कि SI यूनिट क्या होता है, तो तापमान की SI यूनिट याद रखना है, यह होता है केल्विन। क्या होता है? तो यह होता है केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बल क्षयकारी बल है? तो क्षयकारी बल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो घर्षण बल जो है वह क्षयकारी बल है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर हम बात करें कि घर्षण बल जो होता है, तीन प्रकार का घर्षण बल होता है। एक होता है स्टैटिक, दूसरा होता है स्लाइडिंग और तीसरा होता है रोलिंग। तो सबसे ज़्यादा किस में होता है? तो सबसे ज़्यादा होता है स्टैटिक में, उसके बाद होता है रोलिंग में, और सबसे कम किस में होता है? उसके बाद होता है स्लाइडिंग में, और सबसे कम किस में होता है? तो सबसे कम होता है रोलिंग फ्रिक्शन में। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, कणों के द्वारा हीट ट्रांसफर की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो कणों के द्वारा हीट ट्रांसफर की क्रिया को कंडक्शन कहा जाता है, यानी चालन कहा जाता है। ठोसों में ऊष्मा का जो संचरण होता है वो कंडक्शन से होता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। वायुमंडल किसके गर्म कैसे होता है? तो रेडिएशन यानी विकिरण के कारण होता है। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होता है? तो जल को जीवाणु मुक्त अगर करना हो तो कौन सा प्रयुक्त होगा? तो सभी, ओजोन, क्लोरीन डाइऑक्साइड और क्लोरेमीन, ये सभी का सभी उपयोग होता है जल को जीवाणु मुक्त करने में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, ऑक्टेन संख्या द्वारा किसकी गुणवत्ता मापी जाती है? तो पेट्रोल की जो गुणवत्ता है वो ऑक्टेन संख्या से मापी जाती है। इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट है, सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होता है, क्यों यह प्रयुक्त होता है? तो याद रखना है इसका प्रकाश एक वर्णी है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है। इस कारण हम लोग सोडियम वाष्प लैंप का प्रयोग जो है सड़क प्रकाश के लिए करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है,
लंबी दूरी तक रेडियो प्रसारण के लिए निम्नलिखित में से मुख्यतः किसका उपयोग किया जाता है? तो लंबी दूरी के लिए लंबी दूरी तक रेडियो प्रसारण के लिए निम्नलिखित में से हम लोग किसका उपयोग करते हैं? तो आयन मंडलीय तरंगों का उपयोग करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, पानी की अस्थायी कठोरता के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? तो पानी की अस्थायी कठोरता के लिए कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट जिम्मेदार हैं, याद रखना है। अगर हम बात करें अस्थायी कठोरता के लिए, तो अस्थायी कठोरता के लिए कौन सा जिम्मेदार है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट जो हैं, यह अस्थायी कठोरता के लिए ये जिम्मेदार है। अगर हम बात करें कि पानी में ऐसा कौन सा चीज़ मिला दिया जाए जिससे उसकी अस्थायी और अस्थायी कठोरता दूर हो सकती है, तो याद रखना है सोडियम कार्बोनेट को डालकर पानी की अस्थायी और अस्थायी कठोरता दूर की जा सकती है। सोडियम कार्बोनेट तो ये भी फैक्ट्स आपको ध्यान में रखना है, काफी इंपॉर्टेंट यह फैक्ट्स हैं। नेक्स्ट है, शराब पीकर वाहन चालक के श्वसन परीक्षण में यातायात पुलिस क्या इस्तेमाल करती है? तो क्या एसिड बेस रिएक्शन का इस्तेमाल किया जाता है? तो पोटासियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। पोटासियम डाइक्रोमेट जो है बेस है, और सल्फ्यूरिक एसिड क्या है? तो यह एसिड है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और पोटासियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला क्या होता है? तो K2Cr2O7। और सल्फ्यूरिक एसिड का आप सभी को मालूम होगा H2SO4। नेक्स्ट है हमारा, गैस वेल्डिंग में सामान्यतः प्रयुक्त ईंधन गैस कौन सा है? तो गैस वेल्डिंग में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो एसिटिलीन करते हैं, ठीक है। और एसिटिलीन के बारे में एक पॉइंट और भी ध्यान रखना है कि फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किसका उपयोग हम करते हैं? तो एसिटिलीन का प्रयोग करते हैं। और फलों को प्राकृतिक रूप से पकाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो याद रखना है, फलों को प्राकृतिक रूप से हम लोग पकाने के लिए एथिलीन का प्रयोग करते हैं। तो दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, याद रखना है। जब कृत्रिम पूछे तो एसिटिलीन, और जब प्राकृतिक रूप से पूछे तो क्या हो जाएगा? तो एथिलीन। नेक्स्ट है, हाइड्रोक्सी समूह वाला ऑर्गेनिक अम्ल कौन सा है? तो हाइड्रोक्सी समूह वाला जो है ऑर्गेनिक समूह, इसमें से कौन सा है? तो यह है बेंजोइक अम्ल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बेंजोइक अम्ल का सूत्र भी आपको याद रखना है, क्या होता है? तो इसका सूत्र होता है C6H5COOH, ये होता है बेंजोइक अम्ल का सूत्र। नेक्स्ट है, दूध को निम्न विधि से एक रूप यानी होमोजिनाइज किया जाता है, तो किस विधि से किया जाता है? तो यह है, इसके वसा कणों को सेंट्राफ्यूज की सहायता से सूक्ष्म आकार में बदला जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, जेड परमाणु क्रमांक वाले परमाणु को किसी दी गई कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समानुपाती होता है। तो इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा समानुपाती होता है वो किसके होता है? तो जेड स्क्वायर के समानुपाती होता है। इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना है। और ये ऊर्जा होता कितना है? तो ऊर्जा होता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या? एन स्क्वायर, ये ऊर्जा के बराबर होता है। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है आपको सूची वन को सूची दो से। एक तरफ है हड़प्पा संस्कृति की बस्ती सूची वन में और नदी पर स्थित, तो हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर स्थित है। कालीबंगन कहाँ पर है? तो कालीबंगन जो है घग्घर नदी के तट पर स्थित है। लोथल जो है भोगवा नदी के तट पर स्थित है। और रोपड़ जो है सतलज नदी के तट पर स्थित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो थ्री, ए का तो थ्री हो गया, बी का हो गया टू, सी का हो गया वन, और डी का क्या हो गया फोर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 3, 2, 1, 4, जो कि किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो उनका जन्म जो है कपिलवस्तु में हुआ था 563 ईसा पूर्व में, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। उन्होंने बौद्धगया में ज्ञान प्राप्त किया था, यह भी सही है। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था, फिर उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार प्रसार किया, तो यह भी जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है।
और उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था, यह भी सही है। तो इसमें चारों के चारों जो स्टेटमेंट है वह बिल्कुल सही है। भगवान बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? तो याद रखना है अलार कलाम। अलार जो कलाम थे उनके प्रथम गुरु थे। द्वितीय गुरु कौन थे? तो उद्रक, उद्रक रामपुत्र। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अलार कलाम से इन्होंने शिक्षा कहाँ पर ग्रहण किया था? तो वैशाली में। ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है अद्वैत। अद्वैत दर्शन के संस्थापक थे। तो अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे? शंकराचार्य थे। रामानुजाचार्य ने, रामानुजाचार्य किसके संस्थापक थे? तो विशिष्टा, विशिष्टा द्वैतवाद के ये संस्थापक थे। याद रखना है आपको पॉइंट। और अगर हम बात करें माधवाचार्य, जिन्हें यहाँ पर दिया गया माधव, तो ये क्या थे? तो माधवाचार्य जो थे द्वैतवाद, द्वैतवाद के ये संस्थापक थे। फिर है यहाँ पर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो शंकराचार्य। नेक्स्ट है महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने कहा करवाया था, ठीक है। और ये एकास्म, एकास्म है, यानी एक ही चट्टान को काटकर यह बनाया गया है। नरसिंह वर्मन ने ही क्या किया था? पुलकेशिन द्वितीय को हराया था। तो ये भी पॉइंट याद रखना है। पुलकेशिन द्वितीय को किसने हराया था? तो पुलकेशिन द्वितीय को नरसिंह वर्मन ने हराया था। नरसिंह वर्मन से रिलेटेड और कौन कौन से महत्वपूर्ण फैक्ट्स है याद रखना है आपको, कि नरसिंह वर्मन ने एक उपाधि धारण की थी, कौन सा? तो वतापी, वतापी कोंड की उपाधि इनके द्वारा धारण किया गया था। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की पांचवी मंजिल का निर्माण कराया था? तो कुतुब मीनार की पांचवी मंजिल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। इसकी नींव किसके समय रखा गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के समय कुतुब मीनार की नींव रखी गई थी। और यह बनकर तैयार हुआ था किसके समय में? तो इल्तुतमिश के समय में यह बनकर तैयार हो गया था। और कालांतर में जब क्षतिग्रस्त हुआ तो फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोदी ने इसका क्या कराया था? तो मरम्मत भी कराया था। और किसकी याद में यह बनाया गया था कुतुब मीनार? तो शेख ख्वाजा बख्तियार काकी, शेख ख्वाजा बख्तियार काकी, जिन्हें हम लोग बख्तियार काकी के भी नाम से जानते हैं, काकी के भी नाम से जानते हैं, उनकी याद में कुतुब मीनार को बनाया गया था। तो यह भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पानीपत का जो युद्ध हुआ था वह 1526 ईस्वी में हुआ था, बिल्कुल सही है। खानवा का जो युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में हुआ था, तो पानी पी खाना खा, तो यह भी सही है। फिर घाघरा का जो युद्ध हुआ था वह कब हुआ था? तो वह 1529 में हुआ था, यह भी स्टेटमेंट सही है। चंदेड़ी का जो युद्ध हुआ था वह 1530 ईस्वी में नहीं हुआ था, बल्कि कब हुआ था? तो यह हुआ था 1528 ईस्वी में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अंग्रेजों का फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? तो फोर्ट विलियम कहाँ पर स्थित है? तो कलकत्ता में स्थित है। इसका निर्माण कब किया गया था? तो 1800 ईस्वी में इसका निर्माण कराया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो सभी को मालूम होगा कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा क्या? तो ऑप्शन डी। और यह कब किया गया था? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना तो 1905 में, याद रखना यह भी पॉइंट। और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु का क्या नाम था? तो एमजी रनाडे जो थे वह गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे। और इन्हें क्या कहा जाता है? महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। तो यह भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी पत्र वंदे मातरम के संपादक थे? तो क्रांतिकारी पत्र वंदे मातरम के संपादक कौन थे? तो याद रखना है मैडम भीकाजी कामा। मैडम भीकाजी जो कामा थी उन्होंने पेरिस में 1909 में वंदे मातरम समाचार पत्र निकाला था, मैडम भीकाजी कामा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और पहली बार झंडा कब फहराया गया था देश के बाहर? तो जर्मनी के स्टुअर्ट गार्ड में मैडम भीकाजी कामा के द्वारा ही पहली बार झंडा को फहराया गया था, तिरंगा को। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, सारथी ने एक बैंक में इतना जमा किया 3125 रुपये, जिस पर बैंक द्वारा 8% साधारण ब्याज वार्षिक दे था। यदि सारथी ने धन 5 साल के लिए बैंक में रखा
तो वह कितना ब्याज अर्जित करेगा, तो कितना ब्याज वह अर्जित करेगा, तो आप लोग बना लीजिएगा। सब चीज दिया हुआ है, साधारण ब्याज, तो मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100 करके बनाएंगे तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो 1250। नेक्स्ट है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में कौन भारत आया, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। कैबिनेट मिशन में जो थे 3 सदस्य थे, कौन, ए बी अलेक्जेंडर, सर पैथिक लॉरेंस, और कौन थे, तो सर स्टोफर्ड क्रिप्स। तो ये भी याद रखना है पॉइंट आपको। और संविधान जो हमारा बना था इसी मिशन की सिफारिश पर बना था, इसी कैबिनेट मिशन की अनुशंसा पर बना था हमारा संविधान। नेक्स्ट है, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था, तो केंद्र में जो द्वैध शासन है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत स्थापित किया गया था। अगर बात करें कि प्रांतों में द्वैध शासन कब लाया गया था, प्रांतों में द्वैध शासन जो लाया गया था वो भारत सरकार अधिनियम 1919 में लाया गया था। और प्रांतों में द्वैध शासन को कब समाप्त किया गया था, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में समाप्त किया गया था। 1909 में जो हुआ था पहली बार सांप्रदायिकता का बात इसमें किया गया था 1909 ईस्वी में, इसे हम लोग मार्ले मिंटो सुधार एक्ट के भी नाम से जानते हैं। मार्ले मिंटो याद रखना है, मार्ले मिंटो सुधार एक्ट के भी नाम से जानते हैं इसे। और पहली बार सांप्रदायिकता की बात इसमें कही गई थी कि मुसलमानों के लिए अलग प्रतिनिधि, मतलब प्रतिनिधित्व करेंगे, जिस क्षेत्र में मुसलमान बाहुल जनसंख्या है वहाँ से मुसलमान प्रतिनिधि जो हैं भाग लेंगे, यह कहा गया था भारत परिषद अधिनियम 1909 में। नेक्स्ट है, भारत एक गणतंत्र है इसका अर्थ क्या है, तो भारत एक गणतंत्र है इसका अर्थ है क्या कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है, तो बच्चों के शोषण से विरुद्ध अधिकार से कौन सा संबंधित है, तो यह है अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 23 क्या है, तो यह बलात्श्रम, यानी जबरन किसी से काम नहीं कराना है, तो यह बलात्श्रम से संबंधित है, याद रखना है। अनुच्छेद 17 क्या है, तो अस्पृश्यता का अंत से संबंधित है, याद रखना है। यह किससे है, तो अस्पृश्यता से संबंधित है। और 18 क्या है, तो उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त हैं, तो किस प्रकार का प्राधिकार जो है भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त हैं, तो याद रखना है औपचारिक और विधिक और संवैधानिक और नाममात्र का जो प्राधिकार है भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, एक जौहरी ने एक हीरे का एक हार विशिष्ट रूप से बनाया और उसका विक्रय मूल्य कितना तय किया, 10 लाख तय किया, जिसके निर्माण में कच्चे माल सहित जौहरी ने 3 लाख का निवेश किया और 2 लाख के श्रम शुल्क का भुगतान किया। यदि कच्चे माल की लागत का 20% सोना था तो सोना खरीदने के लिए जौहरी ने कितना रकम खर्च किया, तो कितना खर्च किया है, तो यह खर्च किया है 60,000 रुपये। राइट आंसर हो जाएगा ए, बना लेंगे आप सभी लोग। नेक्स्ट है, विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकती है, तो यह कब तक रोक सकता है, तो 4 माह तक यह रोक सकता है। याद रखना है कि विधान परिषद जो है किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकता है, तो 4 माह तक यह रोक सकता है। नेक्स्ट है, जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की उसके सभापति कौन थे, तो उसके सभापति कौन थे, इंपॉर्टेंट सवाल है, तो उसके सभापति थे बलवंत राय मेहता। कब हुआ था, आया था, तो यह 1957 में आया था, तो ये भी फैक्ट्स आपको ध्यान में रखना है। और इन्होंने त्रिस्तरीय क्या किया था, तो त्रिस्तरीय पंचायत की सिफारिश किया गया था इनके द्वारा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, आर्टिकल 14 यानी अनुच्छेद 14, तो यह समानता के अधिकार से संबंधित है। 36 क्या है, अनुच्छेद 36 क्या है, तो अनुच्छेद 36 है नीति निर्देशक तत्व। 74 क्या है, तो 74 है हमारा मंत्रिपरिषद। और 368 क्या है, यानी 368 क्या है, तो संविधान संशोधन से संबंधित है। तो ए का हो गया 3, बी का हो गया 4, सी का हो गया क्या, तो सी का हो गया 2 और डी का हो गया 1। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 3, 4, 2, 1, जो कि किस ऑप्शन में है, यह है ऑप्शन डी में। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है,
तो भारत में जो नियोजित अर्थव्यवस्था है वह किस पर आधारित है? तो यह है समाजवादी व्यवस्था पर आधारित। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और यह भारत में नियोजन का मॉडल किससे लिया गया है? तो याद रखना है ये रूस से लिया गया है। नेक्स्ट है, पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? तो पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव गुरनार्ड मिडल के द्वारा यह दिया गया था। भारत में बात करें कि रोलिंग प्लान कब आया था, तो 1978 में आया था रोलिंग प्लान। और 1980 में रोलिंग प्लान को क्या कर दिया गया था? तो समाप्त कर दिया गया था। तो ये भी फैक्ट्स याद रखना है, कब आया था तो 1978 में। और सरकार पूछा जाए कि उस समय किनका सरकार था, तो जनता दल का सरकार था उस समय। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों का प्रतिशत है? तो भारत में यह तेंदुलकर समिति के अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है। तो भारत में गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों का प्रतिशत कितना है? तो यह है 21.9%। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। जनता के पास मुद्रा, बैंकों के पास मांग जमा यानी डिमांड डिपॉजिट, और बैंकों के पास समय जमा यानी टाइम डिपॉजिट, इनमें से कौन कौन से भारत में व्यापक धन यानी M3 में शामिल है? तो M3 में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? तो याद रखना है तीनों के तीनों जो हैं शामिल हैं M3 में, यानी जनता के पास मुद्रा, बैंकों के पास जमा मांग जमा और बैंकों के पास समय जमा, ये सभी के सभी M3 में शामिल हैं। नेक्स्ट है, रुपए की परिवर्तनीयता का तात्पर्य है? तो रुपए की परिवर्तनीयता का तात्पर्य क्या है? तो याद रखना है रुपए को अन्य प्रमुख मुद्राओं को रुपए में मुक्त रूप में परिवर्तित करके देने की अनुमति। ये है दोस्तों रुपए की परिवर्तनीयता का तात्पर्य। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर हम बात करें कि भारत में अभी तक कितना विमुद्रीकरण हुआ है, तो याद रखना है भारत में अभी तक 3 बार विमुद्रीकरण हुआ है। कब कब? 1946 में, 1978 में, और कब हुआ है? तो एक हुआ है 2016 में। 3 बार अभी तक भारत में विमुद्रीकरण हुआ है, तो ये भी पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट है, ब्रेक इवन बिंदु क्या है? तो ब्रेक इवन बिंदु क्या है? तो वह स्थिति जब फर्म को लाभ न हो और ना हानि हो, तो उसे कहा जाता है ब्रेक इवन बिंदु। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित खेलों में से प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या किस खेल में सर्वाधिक होती है? तो सर्वाधिक जो संख्या होती है वह रग्बी फुटबॉल में होती है। याद रखना है रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 15 खिलाड़ी होते हैं। खो खो में कितने होते हैं? तो 9 खिलाड़ी होते हैं। हॉकी में कितना होता है? तो हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल में कितना होता है? 11 होता है। तो ये भी पॉइंट याद रखना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, बैंकिंग वातावरण में प्रयोग होने वाला NPA का फुल फॉर्म क्या है? तो NPA का फुल फॉर्म है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। फिर यहाँ पर मैथ दिया गया है, तो इसका मैं राइट आंसर बता दे रहा हूँ, आप स्टॉप कर इसे बनाइएगा। इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन के रमन इफेक्ट खोज के लिए विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है कब? तो यह मनाया जाता है 28 फरवरी को। इन्हें भारत रत्न कब दिया गया था सीवी रमन को? तो 1954 में इन्हें भारत रत्न दिया गया था सीवी रमन को। और नोबेल पुरस्कार कब इन्हें दिया गया था, यह भी पॉइंट याद रखना है। तो 1930 में सीवी रमन को फर्स्ट भारतीय थे जिनको फिजिक्स में क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था 1930 में। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूलतः किस भाषा में लिखी थी? तो महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूलतः किस भाषा में लिखी थी? तो यह लिखी गई थी गुजराती भाषा में। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान हेतु प्रदान किया जाता है? तो टाइलर जो पुरस्कार है वह किसमें प्रदान किया जाता है? तो पर्यावरण सुरक्षा के लिए यह टाइलर पुरस्कार दिया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
और इसकी शुरुआत कब होती है टायलर पुरस्कार की, तो 1973 में। नेक्स्ट है, विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन मुगलों के किस भवन में रखा गया था, तो मुगलों के किस भवन में मयूर सिंहासन को रखा गया था, तो सभी को मालूम होगा दिल्ली के लाल किले का दीवाने आम में इसे रखा गया था मयूर सिंहासन को। और मयूर सिंहासन को कौन ले गया था, तो नादिर शाह ले गया था, नादिर शाह, जिसे हम लोग तख्ते ताउस भी कहते हैं मयूर सिंहासन को। और मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम बादशाह कौन था मुगल बादशाह, तो याद रखना है मोहम्मद शाह। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 20 रुपए के नोट पर निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान की छवि है, तो 20 रुपए के नोट पर किसकी छवि है, तो यह है माउंट हैरियट नेशनल पार्क, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है तारापुर, तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना किस देश की सहायता से किया गया है, तो तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से किया गया है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है दूध की कीमत 20% बढ़ जाए और व्यय को उतना ही रखने के लिए वर्तमान कीमत में कितनी कमी करनी पड़ेगी, तो 100 से कितना हो गया 120 हो गया, तो फिर 120 से अगर 100 पे जाना हो तो कितना कमी करना पड़ेगा, तो 20/120×100, तो कितना आ जाएगा 6, यानी अगर हम बात करें तो ये कितना आ जाएगा 16.2/3 की कमी करनी होगी, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है सन 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है, तो सभी को मालूम होगा रोहतास जिले की में महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है बिहार में, और पुरुष में भी रोहतास ही आगे बिहार में, तो याद रखना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायतों के स्थान या मदों में सभी कोटियों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है, तो याद रखना है 50% आरक्षण की व्यवस्था किया गया है महिलाओं के लिए, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है निम्न में से किस वर्ष रूस में कृषक दास प्रथा का अंत हुआ, तो रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब किया गया था, तो यह किया गया था 1861 में, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है निम्न में से किन देशों के बीच नॉनकिंग की संधि हुई थी, तो नॉनकिंग की संधि किनके किनके बीच हुआ था, तो यह हुआ था ब्रिटेन और चीन के बीच, और यह कब हुआ था, तो यह हुआ था 1842 में। नेक्स्ट है निम्न में से किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है, तो रात्रि दृष्टि उपकरण में किस प्रकार के तरंगों का उपयोग किया जाता है, तो अवरक्त किरण, अवरक्त तरंगों का उपयोग किया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अवरक्त किरणों को और क्या कहा जाता है तरंग को, तो याद रखना इन्हें उष्मा तरंग भी कहा जाता है, उष्मा तरंग के नाम से कौन जाना जाता है, तो अवरक्त तरंग। नेक्स्ट है तेल का एक बैरल निम्न से लगभग कितना होता है, तो एक बैरल कितने के बराबर होता है, यह होता है 159 लीटर के बराबर, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है सर सीवी रमन को उनके किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, तो याद रखना है किनके लिए प्रदान किया गया था, तो प्रकाश प्रकीर्णन के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था, कब, तो 1930 में। नेक्स्ट है निम्न से कौन प्राथमिक प्रदूषक के उदाहरण नहीं है, तो प्राथमिक प्रदूषण के उदाहरक प्रदूषक के उदाहरण कौन नहीं है निम्नलिखित में से, तो याद रखना है यहां पर जो दोस्तों आपको ध्यान क्या रखना है कि यहां पर सभी के सभी, ये क्वेश्चन गलत है थोड़ा, क्वेश्चन सही है, यहां पर सभी के सभी जो है यानी DDT, कार्बन मोनोऑक्साइड, प्लास्टिक और कार्बन सल्फर डाइऑक्साइड, ये सभी के सभी जो है प्राथमिक प्रदूषक के उदाहरण है, तो आपसे नहीं पूछा जा रहा है, तो इसमें से कोई भी जो है प्राथमिक प्रदूषक का उदाहरण, इसमें से सभी के सभी जो है दोस्तों प्राथमिक प्रदूषण के उदाहरण है, तो यहाँ पर होना चाहिए था क्या, एक और ऑप्शन मिलना चाहिए था, या यहाँ सल्फर ट्राई ऑक्साइड होना चाहिए था, तो सल्फर जो ट्राई ऑक्साइड होता है वह प्राथमिक प्रदूषक नहीं होता, द्वितीय प्रदूषक होता है। यहाँ जितने भी दिए गए DDT, कार्बन मोनोऑक्साइड और भी जान लीजिए CO2, NO2, NO, ये सभी के सभी क्या है, तो ये प्राथमिक प्रदूषक के उदाहरण है, तो दिए गए विकल्पों में से कोई भी जो
कोई भी ऐसा नहीं है जो प्राथमिक प्रदूषक का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट, निम्न में से किस उद्योग के निगरानी हेतु जैव चिप का विकास किया गया है? तो जैव चिप का जो विकास है किसके लिए किया गया है? तो मत्स्य उद्योग के लिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्न में से किस पुरस्कार की वरीयता सूची में स्थान दिया गया है? तो किस पुरस्कार को वरीयता सूची में स्थान दिया गया है? तो वरीयता सूची में स्थान दिया गया है भारत रत्न को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और इस पुरस्कार की जो स्थापना है कब किया गया है भारत रत्न का? तो 1954 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों में से कौन सा युग्म सत्य है? सत्य आपसे पूछा जा रहा है, तो चेतन भगत, मिडनाइट चिल्ड्रन। मिडनाइट जो चिल्ड्रन है वो किसके द्वारा लिखा गया? तो सलमान रुश्दी के द्वारा लिखा गया, याद रखना है, सलमान रुश्दी के द्वारा यह लिखा गया मिडनाइट चिल्ड्रन। तो यह तो गलत हो गया, सलमान रुश्दी के द्वारा फ्यूरी लिखा गया यह स्टेटमेंट सही है। एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा फर्स्ट पर्सन लिखा गया यह गलत है। टीएन सेशन के द्वारा संस्कार लिखा गया है यह भी गलत है। फर्स्ट पर्सन किसके द्वारा लिखा गया? तो यह व्लादिमीर पुतिन, जो कि रूस के अभी वर्तमान में राष्ट्रपति हैं, उनके द्वारा लिखा गया है। और संस्कार किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि संस्कार किनके द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट, निम्न में से किसने प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोग में अंतर स्पष्ट किया है? तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में सहयोग में अंतर किसने स्पष्ट किया? तो माइकावर एवं पेज ने स्पष्ट किया। नेक्स्ट, जानबूझकर किया गया वह परिवर्तन जो किसी की इच्छा का विरोध करने, रोकने या इसे दबाने के लिए किया जाता है वह है, तो वह क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है संघर्ष। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्न में से मानव विकास सूचकांक का संकेतक नहीं है? तो शिक्षा है, प्रति व्यक्ति आय है, और आयु संभावित है, जिसे हम लोग जीवन प्रत्याशा के भी नाम से जानते हैं, वह मानव विकास सूचकांक का सूचक है, जबकि शहरीकरण का जो स्तर है वह मानव विकास सूचकांक का संकेतक नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, और मानव विकास का जो सूचकांक है यह किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखना है महबूब उल हक के द्वारा इसकी शुरुआत किया गया था मानव विकास सूचकांक का, और इसे जो है वर्ष 1990 में पहली बार जारी किया गया था। ठीक है, तीन आयाम है इसके, कौन कौन से? शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय और आयु संभाव्यता। नेक्स्ट है, कनाडा ओपन 2023 विजेता लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित है? तो सभी को मालूम होगा लक्ष्य सेन जो है वह बैडमिंटन से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और 2022 में इनको अर्जुन पुरस्कार भी मिल चुका है, तो याद रखना है 2022 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार भी मिल चुका है। नेक्स्ट, देश के पहले सहकारिता से संचालित सैनिक स्कूल का शिलान्यास कहाँ किया गया? तो यह किया गया है गुजरात में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के द्वारा भारतीय संरक्षणवादियों को पर्यावरण पुरस्कार दिया गया? तो याद रखना है ब्रिटेन के द्वारा यह दिया गया है भारतीय संरक्षणवादियों को पर्यावरण पुरस्कार। नेक्स्ट है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा 2023 का पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? तो पॉइंट ऑफ लाइट से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? तो राजेंद्र सिंह घट को जो है पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से सम्मानित किया गया प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के द्वारा। नेक्स्ट है, विश्व जनसंख्या दिवस 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसे 11 जुलाई को मनाया जाता है, यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसकी थीम इस बार क्या है? तो लैंगिक समानता की शक्ति को उजागर करना, तो इस बार इसकी थीम सही में लैंगिक समानता की शक्ति को उजागर करना है, तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 23वां शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्र प्रमुखों की परिषद समिति की पहली बार अध्यक्षता किस देश द्वारा किया गया? तो पहली बार अध्यक्षता जो है किया गया किसके द्वारा? तो भारत के द्वारा यह किया गया। राइट आंसर हो जाएगा क्या? तो ऑप्शन बी। और भारत और पाकिस्तान अगर बात करें कि एससीओ का मेंबर कब बना था, तो यह बना था 2017 में। और अगर हम बात करें कि इसका 9वां मेंबर कौन है, तो 9वां मेंबर याद रखना, इसका जो 9वां मेंबर है वो है कौन सा? तो ईरान है। नेक्स्ट है, जून 2023 में किस शहर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जैविक महोत्सव मेजबानी किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय जैविक
किस शहर के द्वारा किया गया था अंतर्राष्ट्रीय जैविक महोत्सव का मेजबानी, तो विशाखापत्तनम के द्वारा यह किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ये सब करंट से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, जून 2023 में 16वां विशेष ओलंपिक खेल का आयोजन किस देश में किया गया, तो विशेष ओलंपिक खेल का आयोजन किस देश में किया गया, तो यह किया गया था जर्मनी के बर्लिन में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 2025 में कहां पर किया जाएगा, तो 2025 में यह किया जाएगा इटली में। और 2027 की अगर बात करें तो यह कहां पर किया जाएगा, तो 2027 में यह किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। तो यह भी पॉइंट याद रखना है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने अमृत सृजन अभियान नए भारत के सपने हेतु किसके साथ शुरू किया गया, तो यह शुरू किया गया है मेटा के साथ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, भारत पाकिस्तान के बीच किशनगंगा और रतले जल विद्युत संयंत्र के आपसी विवाद के मामले की मध्यस्थता हेतु विश्व बैंक द्वारा किसे अध्यक्ष बनाया गया, तो अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो सिन मर्फी को अध्यक्ष बनाया गया। नेक्स्ट है, लूना 25 नामक चंद्रयान किस देश ने लॉन्च किया है, तो लूना 25 नामक चंद्रयान किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है दोस्तों, तो याद रखना है राइट आंसर हो जाएगा रूस के द्वारा। नेक्स्ट है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिपड़ी द्वारा जारी वैश्विक सैन्य व्यवस्था 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है, तो इसमें भारत की जो रैंकिंग है दोस्तों वह चौथे नंबर पर है। प्रथम स्थान पर कौन है, तो प्रथम स्थान पर है यूएस है यानी अमेरिका है। और दूसरे स्थान पर कौन है, दूसरे स्थान पर याद रखना है चीन है। और तीसरे नंबर पर कौन सा है, रूस है। और चौथे नंबर पर अपना प्यारा देश भारत है। नेक्स्ट है, पांचवा आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका जो आयोजन किया गया था दोस्तों वह मलेशिया के कुआलालंपुर में किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, पूर्वोत्तर भारत की पहली एयरलाइंस कंपनी को परिचालन शुरू करने की स्वीकृति प्राप्त हुई है, तो यह स्वीकृति किसे दी गई है, तो याद रखना है जेटविंग्स एयरवेज को यह दिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2023-24 सत्र के दौरान खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के संदर्भ में मूंग का कीमत कितना घोषित की गई है, तो मूंग का कीमत कितना घोषित किया गया है, तो 8,558 रुपये घोषित किया गया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, DPIIT द्वारा जारी रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2023 के अनुसार भारत का सबसे बड़ा निवेशक कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा निवेशक कौन सा है, तो यह है सिंगापुर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और याद रखना, भारत का प्रथम राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र का गठन कहां पर किया गया है, तो यह किया गया है आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट, नीति आयोग द्वारा हाल ही में 2020-21 के कोविड वर्ष का वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया गया है, जिसमें बड़े राज्यों के बीच शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में किसे चुना गया, तो इसमें किसे चुना गया है, तो इसमें चुना गया है केरल को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और आज के डिस्कशन का हमारा लास्ट सवाल है कि हाल में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया, तो NTA का नया महानिदेशक किसे बनाया गया है, तो यह बनाया गया है सुबोध कुमार सिंह को। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। यह डिस्कशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं दोस्तों। साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आई हो दोस्तों, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके। अगर चैनल पर पहली बार आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि इसी तरीके की नई वीडियो मैं आपके लिए लेकर आ सकूँ। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू।